कहते हैं पहला घर लेना हर एक का सपना और इसी सपने को हकीकत में तब्दील करने में हम आपकी मदद करने आए। इसी के साथ मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे। और सबसे पहले तो मैं उन व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक करा, शेयर करा और कमेंट करा। जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें आने वाली प्रॉपर्टी की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है खरड़ में प्रॉपर्टीज़ के क्या रेट चल रहे। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ ओन हाईवे प्रोजेक्ट पे एंड जो कि अपना हाईवे से रहने वाला है 100 मीटर के डिस्टेंस पे। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन हमारी रहने वाली है मोहाली नियर खरड़। ये अपना झुंगिया रोड पे लोकेटेड है। हाईवे से इसका डिस्टेंस रहने वाला है सिर्फ आपका 100 मीटर के डिस्टेंस पे। आज मैं आपको इंडिपेंडेंट हाउसेस दिखाने जा रही हूँ जिसका फ्रंट रहने वाला है 18.5 और इसकी जो लेंथ रहने वाली है वो रहने वाली है 50 फीट। ये देख सकते हैं फ्रंट टाइल में हमने फेस टाइल लगाई है। ये देख सकते हैं प्रॉपर आप लाइटें वगैरह कर रखी है ऑलमोस्ट। और इसका जो साइज रहने वाला है इंडिपेंडेंट हाउसेस का वो रहने वाला है 102 गज। तो आज एक्चुअली मेरे जो कैमरामैन है वो छुट्टी पे है। आज हमने कोई नए कैमरामैन आए हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो आप इस चीज़ को प्लीज इग्नोर करें। तो देख सकते हैं स्टार्टिंग में ये अपना जो है मेन गेट रहने वाला है। हम ये मेन गेट ओपन करते ही हमारा इस साइड को आ जाता है पार्किंग एरिया जहाँ पे आप 4-व्हीलर पार्क कर सकते हैं इजीली। देख सकते हैं यहाँ आपकी सिर्फ एक सेडान कार ही पार्क हो सकती है, बट ज़्यादा स्पेस नहीं है पार्किंग एरिया का, फिर भी आप यहाँ पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर हम इस साइड को देखें यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने बाहर आपको टैप प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जो वर्कर्स होते हैं उनको जैसे हैंड वॉश वगैरह भी करना हो तो इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी के साथ आइए दोस्तों, अब मैं लेके चलती हूँ आपको इसके इंटीरियर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर में अपना जो है 1 BHK है एंड ग्राउंड फ्लोर में अपना 2 BHK है। 3 BHK इंडिपेंडेंट हाउसेज आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, तो आइए। तो इसी के साथ ही आइए दोस्तों, मैं आपको अभी ग्राउंड फ्लोर में लेके आई हूँ। ये अपना जो है लिविंग एरिया रहने वाला है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसका साइज रहने वाला है अपना 10x18 का। 10x18 का बहुत बड़ा साइज होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना जो है डाइनिंग टेबल आप इजीली प्लेस कर सकते हैं ये वाली जगह पे। तो इसी के साथ ही यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है LCD पैनल। यहाँ पे आप अपनी जो है LCD प्लेस कर सकते हैं, अपना फैमिली के साथ बैठ के क्रिकेट का एंजॉय ले सकते हैं या फिर आप अपने सीरियल्स भी देख सकते हैं। तो ये वाला स्पेस है, यहाँ पे कॉर्नर में आप जो है सोफा प्लेस कर सकते हैं विद टेबल। उसके बावजूद भी इधर भी स्पेस रहता तो आप यहाँ पे अपने जो है डेकोरेटिव आइटम वो रख सकते हैं। तो अगर ये वाली वॉल की बात करें तो ऊपर आपको मिलने वाला है AC का प्रोविज़न, देख सकते हैं आप। साथ ही साथ इसके ऊपर आपको दे रहे हैं डाउन सीलिंग विद, देख सकते हैं विद लाइट के साथ। आपको यहाँ पे फैन के प्रोविज़न भी हमने प्रोवाइड करवाए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्राउन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, एक बार देखें। तो ये था अपना लिविंग एरिया। इसी के साथ ही हम चलते हैं अपने किचन एरिया की तरफ। किचन एरिया की तरफ जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे हमने वॉश बेसिन आपको प्रोवाइड करवाया है, देख सकते हैं आप, ताकि इजीली आप अपना लिविंग एरिया से उठ के यहाँ पे इजीली आप हैंड वॉश वगैरह इजीली कर सकें। तो आइए, ये अपना रहने वाला है मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन की अगर हम साइज की बात करें तो इसका रहने वाला है 12x
सात का, 12x7 का बहुत बड़ा साइज होता है। यहाँ पे आप 2-3% इजीली अपना खाना वगैरह कुक कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें, वाइट एंड रेड का बहुत ही ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। ये अगर हम स्पेस देखें, ये देख सकते हैं, ये आपको प्रॉपर यहाँ पे स्पेस मिलने वाला है। ये सारे अपने जो है हाइड्रोलिक कबर्ड्स रहने वाले हैं। इसमें हमने शॉकर यूज करे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो स्पेस की बात करें, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि जो लेडीज होती है किचन में, उनको बहुत ज़्यादा स्पेस ही होता है, क्योंकि किचन का बहुत बड़ा सामान होता है, तो फिर उनको रखने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमने स्पेस की कोई कमी नहीं दी, आपको नीचे भी प्रॉपर ड्रॉअर बना के दिए हैं, ऊपर भी आपको प्रॉपर ड्रॉअर बना के दिए। अगर हम इस सेट को देखें तो यहाँ रहने वाला आपका डिश वॉशिंग एरिया, जहाँ पर आप अपने यूटेंसिल्स को वॉश कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। 4 आपको टैप्स मिलने वाले हैं, साथ ही साथ आपको मिलने वाली है वेंटिलेशन के लिए विंडो, देख सकते हैं आप। इसी के साथ ही ऊपर आपको जो है एग्जॉस्ट फैन का भी प्रोविज़न मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको उस साइड को मिलने वाला है गीजर का पॉइंट। एंड आइए तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो ये स्पेस है, ये हमने जो है चिमनी का स्पेस रखा है, क्योंकि पाइप के लिए हमने स्पेस दिया है। तो दोस्तों, ये था हमारा किचन एरिया। तो मैं आपको नीचे भी स्पेस दिखाना चाहूँगी, ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप अपने यूटेंसिल्स वगैरह रख सकते हैं। इस साइड को देखिए, यहाँ पे भी आप अपनी दाल, चीनी, टमाटर इजीली आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो भी आपको रखना हो किचन का सामान, ये देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने जो है क्रॉकरी सेट रखना चाहें वो भी आप इजीली रख सकते हैं, प्लेट सेट रखना चाहें प्लेट सेट भी रख सकते हैं। इसी के साथ अगर इस सेट को देखिए तो यहाँ पे मिलने वाला है आपको सिलेंडर के लिए प्रोविज़न, जहाँ पे आप अपना जो है सिलेंडर रख सकते हैं। ये रहता है आपका डस्टबिन एरिया, देख सकते हैं आप। तो ये था हमारा किचन एरिया। तो आइए दोस्तों, अब मैं लेके चलती हूँ आपको फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम में जाने से पहले आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। कैमरा मैन पे फोकस ना करें, बिकॉज थोड़ी अटपटी सी बना रहे हैं, आप सिर्फ मेरी बातों पे ही ध्यान दें और जो मैं दिखा रही हूँ वो देखें। तो आइए, इसी के साथ ही हमने जो है लिविंग एरिया में एंटर कर दिया, सॉरी बेडरूम में एंटर कर दिया है। बेडरूम का जो साइज़ रहने वाला है 10x11 का, ये बेडरूम का साइज़ रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉपर। आपको यहाँ पे स्विचेस बोथ साइड प्रोवाइड करवा रहे हैं, बीच में जो स्पेस है यहाँ पे आप अपना जो है बेड इजीली प्लेस कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको इससे ये वाली वॉल जो है फुल हाइट तक आपको कवर्ड रहने वाले हैं। ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसी के साथ ही मैंने ओपन करके भी मैं आपको स्पेस दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। स्पेस की बात करें तो स्पेस आपको प्रॉपर मिलने वाला है। यहाँ पे आप अपने जो है ब्लैंकेट रखना चाहे, क्लोथ रखना चाहे, तो आप यहाँ पे वो इजीली आप रख सकते हैं। और ये वाला जो एरिया है, ये आप हमने यहाँ पे आपको ड्रेसिंग एरिया प्रोवाइड करवाया है, जहाँ पे आप अपना मेकअप वगैरह भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो इस साइड को अगर देखें तो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर स्पेस मिलने वाला है। अब ये हो सकता है जो डेली यूज़ के क्लोथ्स वगैरह वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ऊपर आप जो है जो सीजनली जो यूज़ होते हैं वो आप ऊपर रख सकते हैं, देख सकते हैं आप। प्रॉपर आपको फुल हाइट तक मिलने वाले हैं। इसके साथ आपको ऊपर मिलने वाली है डाउन सीलिंग विद लाइट्स, एंड फैन का आपको प्रोविज़न प्रोवाइड करवाया है, देख सकते हैं। इसी के साथ ही साइड को आ जाता है आपका LCD पैनल, यहाँ पे आप अपनी LCD लगा सकते हैं। प्रॉपर आपको ड्रॉट बना के दिया है हमने, क्या करा है कि आपको लिविंग एरिया में भी LCD प्रोवाइड करवाई है और बेडरूम में भी आपको LCD प्रोवाइड करवा रहे हैं। आ जाइए, इसी के साथ ही मैं लेके चलती हूँ आपको वॉशरूम में। ये अपना वॉशरूम रहने वाला है, 5x6 का ये वॉशरूम है, देख सकते हैं। प्रॉपर आपको टाइल का अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करें, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। शावर, गीजर एंड जो भी आपकी बाथ फिटिंग रहने वाली है वो आपको मिलने वाली है सेहरा ब्रांड की, ये देख सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर इस साइड को देखें तो ये रहने वाला है आपका वेंटिलेशन के लिए। तो आइए, इसी के साथ ही अब मैं लेके चलती हूँ आपको वॉशिंग एरिया की तरफ। ये अपना रहने वाला है वॉशिंग एरिया, ये वेंटिलेशन देखे तो काफ़ी वेंटिलेशन है, और यहाँ पे आपको टैप्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, और यहाँ पे आपकी
दो मशीनें इजीली लग सकती है, अपने कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हैं आप। स्विचेस हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो भी रहने वाले हैं वो हमारे एंकर ब्रांड के रहने वाले हैं। तो आइए अब मैं लेके चलती हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो आइए दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर में हम बाद में जाएंगे। एक्चुअली कैमरामैन ने मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया, तो मैं भूल गई हूँ कि आपको अभी सेकंड बेडरूम भी दिखाना है। तो इसी के साथ ही ये आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। ये देख सकते हैं ये हमारा सेकंड बेडरूम रहने वाला है, 10x12 का ये अपना जो है सेकंड बेडरूम है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं प्रॉपर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड करवाइए। यहाँ पे आप अपना जो है विंडो एसी भी लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही ये वाले वॉल पे अगर आप अपने भी हाफ पे अगर आप वॉलपेपर भी लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। ऊपर देखें तो ऊपर मिलने वाली है डाउन सीलिंग विद लाइट्स। तो इसी के साथ ही अगर इस साइड को देखें तो ये फुल हाइट कवर्ड रहने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप। प्रॉपर स्पेस की बात करें तो स्पेस काफी ज्यादा है। और इस सेट को देखिए तो इस सेट को भी आपको प्रॉपर स्पेस मिलने वाला है, ये देखिए। और अब आ जाती है फ्रंट बेड के फ्रंट की बात। तो बेड के फ्रंट में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं एलसीडी पैनल। तो यहाँ पे हमने जो है मिरर लगवाया है, तो यहाँ पे आप इसको ड्रेसिंग एरिया एज ए यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ ही अब मैं जिक्र करती हूँ आपको अटैच वॉशरूम में। अटैच वॉशरूम सेम एज इट इज़ इसी तरह से रहने वाला है जिस तरह से आप देख रहे हैं। प्रॉपर आपको बाथ फिटिंग मिलने वाली है सेरा ब्रांड की। वॉश बेसिन आपको साथ मिलने वाला है। एग्जॉस्ट फैन एंड ऊपर रहने वाली है आपको पीओपी। और इसी के साथ ही यहाँ पे गीजर एंड शावर की भी आपको पॉइंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आइए, ये था अपना सेकंड बेडरूम। तो जैसे मैंने आपको कहा था नीचे अपना 2 BHK है, फर्स्ट फ्लोर पे हम 1 BHK है। तो आप ये कर सकते हैं कि नीचे आप फैमिली खुद शिफ्ट होकर ऊपर वाला आप इजीली रेंट पे दे सकते हैं। तो आइए मैं आपको ऊपर भी लेके चलती हूँ। अगर हम बात करें इस सेट को, हमने जो है ये आपको स्टील रेलिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी एक बालकनी रहने वाली है काफ़ी खूबसूरत सी। और यहाँ पे आप अपना जो है फ्लावर पॉट्स वगैरह भी आप इजीली लगा सकते हैं। तो आइए इसी के साथ ही जैसे ही हम यहाँ पे गेट ओपन करते हैं, पहले तो हमारा आ जाता है ओपन एरिया। ओपन एरिया काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे मैं आपको लोकेलिटी दिखा देती हूँ। देख सकते हैं ये अपना झुंगिया रोड है। और अगर आप उस साइड को देख रहे थे वो अपना सन इनक्लेव रहता है। और इस साइड आपको नियर बाय स्कूल्स मिलने वाले हैं। तो आइए अभी मैं आपको लेके चलती हूँ अपने रूम में। तो ये हमारा जो है रूम रहने वाला है, देख सकते हैं 10x12 का रूम है। ऊपर हमने जो है इसमें पीओपी का वर्क करा है, देखिए आप। और इसी के साथ ही यहाँ आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड करवाई है। और इसी के साथ ही आ जाता है आपका अटैच वॉशरूम भी सेम एज इट इज इसी तरह से मिलने वाला है। आज हमारे कैमरामैन का फर्स्ट डे है शूट का, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इग्नोर करें। हमारा 3 BHK 102 गज का, जिसका फ्रंट रहने वाला है 18.5, एंड इसकी जो लेंथ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 50। तो मैंने आपको इसमें साइज़ एंड जो इसकी डायमेंशंस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। प्राइस भी आपका जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ मेरी बातों पर ही ध्यान दें। एक्चुअली मैं कैमरामैन की तरफ से आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि उन्होंने इस तरह से वीडियो बनाई। एक्चुअली जो मेरे कैमरामैन है वो थोड़ी उनकी तबीयत ख़राब सी है, तो आज हमें नया कैमरामैन पकड़ना पड़ा। तो साइज़ लोकेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और अगर आपका बजट कम है तो अपने पास कम बजट के घर भी अवेलेबल है, तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मैंशन कर दूँगी। आप आए साइट विजिट करें और हमारी कंस्ट्रक्शन को देखिए। बस इतना ही आज के लिए, और मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अलविदा।